मैं ये बात बहुत समय से सोच रहा था कि मैं ये सवाल करूं, मगर ये सवाल मैं ना तीन जो भैया लोग हैं उनसे करना चाहता हूं। एक तो आर पार वाले भैया, और एक डीएनए वाले भैया, और एक भारत पूछता है वाले भैया। आपको शायद ये फर्क पता नहीं है कि ट्रिगर और जबान में, ट्रिगर और टंग में क्या फर्क है, शायद पता नहीं है। ट्रिगर दबता है ना तो गोली चलती है, वो वापस लौट के बंदूक में नहीं आ सकती, और जब जबान चलती है ना तो शब्द निकल गए वो दोबारा मुंह में घुसते नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो कश्मीर के युवा हैं, आज की तारीख में उन लोगों को क्या सिखाया जाता है कि जो भारत की फौज है ये उनकी दुश्मन है, उनको मारो, राइट? आप लोगों ने पिछले 4 साल में देश के युवाओं को क्या सिखाया है? सुबोध सिंह जी की हत्या किसने करी थी बताइए? वो जो हत्या करने वाले थे उत्तर प्रदेश में, वो लोग ये बातें कहां से सीखते थे? जैसे आप लोग एक प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, तो कश्मीर का युवा भी तो आजादी का, उनकी जो प्रोपेगेंडा है वो भी आजादी का प्रोपेगेंडा है। आपको भी तो एक तरह से आजादी चाहिए बाकी लोगों से, सिर्फ हिंदू रहने चाहिए, बाकी सब चले जाए जहां जाना है, हिंद महासागर में डूब जाए, कुएं में छलांग लगा दें, अपने आप को जला लें, राइट? तो आप लोगों की आइडियोलॉजी और वो अलगावादी जो नेता हैं उनकी आइडियोलॉजी में फर्क क्या है? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। वो भी वहां के युवाओं का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं, आप लोग भी बैठ के रोज रात को 9 बजे जो भी देश का युवा है उसका बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। वहां का युवा भी स्ट्रगल कर रहा है और जो आपको सुनता है वो भी स्ट्रगल कर रहा है, ये 101% है। वहां का युवा भी कोई 5-10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमाता, और जो आपको सुनते हैं, जिनसे आपकी टीआरपी चलती है, वो भी 5-10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमाते। तो सुबोध सिंह जी थी वो भी वर्दी वाले थे, और जो हमारे वहां पे जितने लोगों की शहादत होती है इंडियन आर्मी के, वो भी वर्दी वाले। वर्दी तो दोनों बराबर है ना, चाहे वो आर्मी की वर्दी हो और या वो किसी आईपीएस अधिकारी की वर्दी हो। सबसे ज्यादा खतरा आप लोगों से देश को, मैं आपको गारंटी कर देता हूं इस बात की। वो भी अपनी टीआरपी चलाते हैं कश्मीर में, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, और आप भी टीआरपी चलाते हैं, अपना एजेंडा किसी के कंधे पे रख के उसको चलाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे? देखिए तीनों भैया लोग, आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखे हैं, और एक और दावे के साथ कह सकता हूं आपसे ज्यादा प्रजातंत्र में रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि आपका एंगल किस तरफ जा रहा है। आप भी उतने खतरनाक हैं जितने कश्मीर के अलगावादी नेता हैं। वो भी पैसे के लिए ये काम करते हैं और आप भी पैसे के लिए काम करते हो। वो भी पाकिस्तान की दलाली करते हैं, आप भी किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली करते हो। नहीं तो आपको तिहाड़ी क्यों बोलते हैं? आपको दलाल क्यों बोलते हैं? बाकी ऐसे इतने पत्रकार हैं उनको तो नहीं बोलते दलाल, इतने ऐसे बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में जो रहते हैं उनको तो नहीं बोलते अलगावादी नेता। वो कुछ ही है गिने चुने जिनको अलगावादी नेता बोला जाता है, जो वहां के युवाओं को बेड़ा गर्क करते हैं। तो आप भी जो युवा हैं जो कश्मीर के बाहर रहते हैं उनका आप बेड़ा गर्क करते हैं। कश्मीर का प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, इसको बड़ा बना दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कई लोगों की दुकानें चलती है। पहले मीडिया नहीं होता था 1980 और 1990 के दशक में, जब से आप लोग आए हो आप लोग तो रोज ही जंग छेड़ देते हो पाकिस्तान के साथ, डेली है आपका काम। देखिए आप लोगों को थोड़ा तमीज और तहजीब से आ जाना चाहिए, नहीं तो आपका भी वही हशर होना चाहिए जो अलगावादी नेताओं का होता है, क्योंकि आप लोगों ने भी देश के युवाओं का बेड़ा गर्क किया है। ट्रिगर और टंग, याद रखना मेरी बात, ट्रिगर और टंग टीआरपी पे चलती है। अच्छी अच्छी चीजें बताइए युवाओं को, कभी उस चीज का भी डीएनए कर लीजिए। आप तो बोलते हैं भारत पूछता है, आपको किसने हक दिया है भाई? आपको किसने हक दिया है कि आप पूछ रहे हमारी तरफ से? हमने तो नहीं हक दिया। कोई डॉक्यूमेंट है आपको, कोई इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है आपके पास कि आप सवाल पूछ सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया? कोई गवर्नमेंट ने दिया आपको डॉक्यूमेंट? और आप मेरे मोटे मोटे गाल वाले चीकू भैया, वो आपकी चीज उसने सीख ली रिपब्लिक वाले ने, आप 2006 में चिल्लाने लगे थे वो 2011 से चिल्ला रहे हैं। जरा सोचिए जो मैं बात बता रहा हूं, जाने अनजाने में
आप लोग देश के युवाओं का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? जय हिंद, भारत माता की जय।